पहला सवाल जाता है कमलाकर त्रिपाठी जी को। कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरी मासी की मूछें होती तो वो मामा होते, यानी कि वाराणसी से प्रियंका गांधी जी लड़ती तो 2-3 लाख वोटों से जरूर जीत जाती। अच्छी बात है, लड़ी क्यों नहीं, किसने रोका उन्हें? क्या चुनाव देश में चल रहे हैं तो कोई रोक रहा था? कांग्रेस पार्टी ने तय क्यों नहीं किया कि वो लड़ लेती? आज इस बात का क्या औचित्य है? और ये कहीं ना कहीं एक साइकोसिस बनाने की कोशिश कर रही है जनता के बीच में कि ये जो मोदी सरकार है ये स्थिर नहीं है, ये अपने अलायंस पार्टनर्स को झुंझुने बांट रही है, मोदी तो खुद ही हारने वाले थे। कमलाकर त्रिपाठी जी, ऐसी बातों का आज कोई औचित्य है? नाविका जी, जितनी मिर्ची आपको लग रही है उतनी तो शायद माननीय मोदी जी को भी नहीं लगी होगी। खैर, कोई भी चीज होती है उस पे आदमी स्पेक्यूलेशन देता है। जब इनकी ब्लू आइड गर्ल स्मृति ईरानी जी, ब्लू आइड लेडी, वो हारती हैं किशोरी लाल शर्मा जी से, तो ऑब्वियसली इस बात का बहुत ही आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की पॉपुलैरिटी प्रियंका जी की है और जितने कम वोटों की मार्जिन रही माननीय मोदी जी की, उसमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो 2-3 लाख की मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतती। दूसरी बात आपको बता दूं, ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि किसको क्या दिया गया उसमें क्लियर दिख रहा है। उसमें दो कंसर्न्स हैं नाविका जी। एक तो इट इज जस्ट लाइक ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल, जस्ट द रैपर हैज बीन चेंज्ड। उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं जिस 10 साल की सरकार में इकोनॉमी गर्त में चली गई, बेरोजगारी चरम पे चली गई, हर तरफ भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल रहा, महिला सुरक्षा को लेकर के जो है बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, आखिरी में उनका लड़का इतना मदांग हो जाता है कि 3 लड़कों को कुचल डालता है चुनाव के बाद। तो आप ये समझिए कि जो चीजें हैं वो उस तरीके से दिख रही हैं। गृह मंत्रालय अभी भी अमित शाह जी के पास है, बाकी सारी चीजें उनको दे दें क्या? उन्होंने अपने सहयोगी दलों में से किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। दूसरी चीज, एक बड़ी रिमार्केबल चीज है कि हिमाचल से, जहां से 4 की 4 सीट इनको मिलती है, वहां से भी नॉमिनेटेड व्यक्ति को जो है वो मंत्रालय दिया जाता है, इलेक्टेड व्यक्ति नहीं मिलता। रिजेंटमेंट अभी से दिख रहा है, एनसीपी शामिल नहीं होती है, शिवसेना भी जो है वो बहुत खुश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कमलाकर त्रिपाठी जी, आपके चश्मे बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत कुछ दिख रहा है जो बाकी दुनिया को दिख नहीं रहा। आपको रिजेंटमेंट भी दिख रही है, आपको मिर्ची लगती हुई भी दिख रही है। मैंने सवाल पूछा, मिर्ची आपको लग गई, और जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं उस पर भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। लेकिन जिन चीजों से आपको मिर्ची लग रही है, मैं उनके सवालों के जवाब जरूर शहजाद पूनावाला जी से लेना चाहूंगी। शहजाद पूनावाला जी, 145 जब सांसद थे कांग्रेस पार्टी के पास, तो यूपीए के सरकार में इन्होंने ऊपर के गृह मंत्रालय या फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस या फाइनेंस किसी को नहीं दिया था, लेकिन आपसे अपेक्षा थी कि 240 मिलने के बाद भी आप किसी अलायंस पार्टनर को दे दें। अब आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी, मुझे आपके चैनल पर और भी पसंद आता है आना, क्योंकि इस चैनल की जो एडिटर इन चीफ है वो एक महिला है, और जब एक महिला के सामने महिलाओं के विषय में ये ब्लू आइड गर्ल, मिर्ची लग गई तुमको, इस प्रकार की बातें बोली जाती है, मुझे आपको सब बचाव करने की जरूरत नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि ये बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है, इससे बचना चाहिए। परंतु अपना अपना चरित्र होता है, और मुझे लगता है इसी चरित्र को देखते हुए लोगों ने झुंझुना छोड़ो आपके हाथ में घंटा थमा दिया है, तीसरी बार घंटा थमाया है, 99 पार हो नहीं पा रहे हो, परंतु वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया,
या यू भी कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कल तक इनका नैरेटिव क्या था नाविका जी कि प्रधानमंत्री को दो बैसाखियों की जरूरत है, अब कमजोर प्रधानमंत्री है। आज इनका नैरेटिव क्या है, प्रधानमंत्री ने तो अपने दोनों साथियों को झुंझुना थमा दिया, मतलब इतने स्ट्रांग प्रधानमंत्री है, एक तय करके आते ना। अच्छा झुंझुना क्या होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर कुछ आरजेडी एसपी के नेता भी दिख रहे हैं। 2009 में 4 सीट आई थी आरजेडी की, झुंझुना देकर बोला सरकार में आवश्यकता नहीं। 2009 में सबसे ज्यादा सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, उसके इतिहास की मुझे लगता है 40 सीट्स आई थी। डिनर पार्टी से अमर सिंह को चलता कर दिया, उसको कहते हैं झुंझुना देना। और झुंझुना पता है क्या होता है, अब इन्होंने तय किया है एलओपी बनाएंगे। एलओपी बनाने की प्रक्रिया में ये झुंझुना 1 और झुंझुना 2 जिसको थमाया था उनको पूछा तक नहीं, सीडब्ल्यूसी ने फैसला कर दिया कि कांग्रेस ही एलओपी बनाएगी, इसको कहते हैं झुंझुना। और झुंझुना एक और उदाहरण देता हूं भाई, पप्पू यादव तो कैंडिडेट लड़ा था इंडिया अलायंस के खिलाफ ना, उसको कांग्रेस ने ले लिया, आरजेडी को दे दिया झुंझुना। उद्धव ठाकरे जी को बोला था आप सांगली सीट लड़ लो, सांगली सीट से उनका प्रत्याशी था, फिर उनके प्रत्याशी को हराने वाली विशाल पाटिल को अपने साथ ले लिया, उद्धव जी को दे दिया झुंझुना। इसको कहते हैं झुंझुना देना। इसीलिए मैं कहता हूं कि बस केवल एक सवाल का जवाब देते, हमने तो मिशन और विजन वाली सरकार चलाना आरंभ भी कर दिया। अब हो सकता है कि उद्यान मंत्रालय आपको, उद्योग मंत्रालय आपको, कृषि मंत्रालय आपको झुंझुना नजर आता हो, पर एलओपी का पोस्ट तो झुंझुना नहीं है, वो तो महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो मैं आज बड़े सम्मानित तरीके से आरजेडी, कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कंसल्ट भी किया गया कांग्रेस के द्वारा, क्या पीडीएस से कोई एलओपी नहीं होगा? हमारे तो प्रधानमंत्री पीडीएस समाज से है, हमारे आज जो मुख्यमंत्री बने ओडिशा के वो ट्राइबल समाज से है, हमारे मोहन यादव ट्राइबल ओबीसी समाज से है, हमारे विष्णुदेव साई जी ट्राइबल समाज से, पर आपका कौन एलओपी होगा, पीडीएस समाज से होगा नहीं होगा? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए देखिए अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को झुंझुना का मालूम बहुत अच्छी तरह पता है, झुंझुना क्या होता है, क्योंकि ये लोग 10 साल से पूरे देश की जनता को झुंझुना ही तो दे रहे थे, इसलिए उन्हें झुंझुना के बारे में बहुत मालूम है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि झुंझुना पे आपने रिसर्च कर लिया, क्योंकि झुंझुना आपने देश की जनता को दिया। सवाल ये है मेरा सीधा सा, आज सरकार बनी है और सरकार के अंदर में आप देखिए, जिसको आप कह रहे हो नहीं, आपको अगर लगता है कि झुंझुना नहीं है तो गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, आईटी दे दीजिए आप उनको, क्या दिक्कत है? छोड़िए आप विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए, भैया देखो विपक्ष का मुंह बंद करते हैं, हमने गृह भी दे दिया उनको, बंद कर दिया विपक्ष का मुंह, इतना परेशान हो रहे हो इसके मतलब आपको तकलीफ तो है, दिमाग में तकलीफ हो रही है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, तभी आप इतनी सफाई दे रहे हो, नहीं सफाई देने की जरूरत होती नहीं। आज आपके साथ गठबंधन में देखिए, आज आपकी शिवसेना आपके साथ आंखें दिखा रही है, आपके साथ गठबंधन में आने को तैयार हो, नहीं भी तैयार है, आपको आपको आपकी वो कहते हैं ना गर्दन पकड़े हुए है, एनसीपी तो आपको मना ही कर रही है, तो आपका तो अभी गठबंधन कहां भैया? आप तो अच्छी बात, आप एनडीए बोलने लगे हैं और हमने आपको मजबूर कर दिया है सबको साथ लेके चलने का, क्योंकि अकेले अकेले भागते थे, सबको बोलते थे साथ चलो ताकत लेके सबसे आगे अकेले झंडा लेके, कहते थे अब की बार भाजपा सरकार, अब बोलने लगे अब की बार एनडीए सरकार, इस लायक तो हमने आपको कर दिया है ना। और देश की जनता बहुत समझदार है, हम तो अपने टीडीपी के साथी से कहेंगे भैया अपना स्पीकर पद ले लेना, ये वो लोग हैं जो सिर्फ पार्टी तोड़ने में विश्वास रखते हैं। चिराग भैया अगर कहीं हैं तो सुन लीजिए, चिराग जी आपकी पार्टी को भी इन्होंने तोड़ा था, सामान भी रोड पे फेंक दिया था, झोपड़ी में आग लगा दी थी, वो तो कहो आप समझदार, आप मेहनत कर अपनी झोपड़ी बचा लाए, ये तो आग लगाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और वो जेडीयू के लिए क्या क्या इन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं बोला, मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत लोग तो लेके घूमते हैं आईपैड वगैरह, लेकिन हो सकता है दिखा दें अपना वक्तव्य क्या बोला था। लेकिन सवाल ये है कि उनको भी सजेशन दे रहा हूं भैया, ये पार्टी तोड़ है, ये लोग हैं पार्टी तोड़ने वाले, ये हैं जो लोग जनता का विश्वास तोड़ सकते हैं, जो लोग जनता को दिया हुआ वादा तोड़ सकते हैं, उस पर ख्याल नहीं करते, इनको पार्टी तोड़ने में कौन सी दिक्कत है? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, इसलिए अपना स्पीकर बना लीजिए। नायडू जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम लोग के जानने वाले साथी हैं। मुझे लगता है आप कंसल्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन जाइए, क्योंकि आप कंसल्टेंट का रोल कर रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय किसको देना चाहिए। आप कह रहे हैं आपने काबिल बना दिया बीजेपी को कि वो अब एनडीए कहते हैं, आप अपने आप को काबिल बनाइए ना कि आपकी कुर्सी बड़ी हो, अरे तय करेंगे देना है उत्तर प्रदेश में, तय करेंगे। ये जो इस वक्त रह गए नविका जी, अयोध्या हार गए, प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे, प्रभु राम नहीं खदेड़ दिया, बोला नहीं
परिणाम की राजनीति नहीं होगी। हरे कुर्ते वालों, हमने कहा कि प्रभु राम हरे कुर्ते वालों को जो हरी मिर्ची लग रही है, इस पर आप क्या कहेंगे शहजाद जी? क्या राजनीति करेंगे ये जिनके नाम पे राजनीति करते रहते, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। ऐसा है, अब मैं एक एक करके जवाब देता हूँ और मुझे उम्मीद है नाविका कि आपके स्टूडियो में बैठने का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। कोई नहीं उठाएगा जी, मैं भी नहीं उठाऊंगी, आप बोलिए। मुझे केवल इतनी उम्मीद है कि डर अभी अच्छी बात है ना कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले यदि वो राम राम करने लगे हैं तो कम से कम अवधेश पासी को बोले कि राम नाम के नारे को नकारे नहीं और राम मंदिर जाए और अनुराग जी को साथ में ले जाए और कल से अनुराग जी भगवा कपड़ा पहनकर राम मंदिर चले जाए और वहां पे नारा लगाए। उनके अवधेश पासी तो लगाने से रहे, उन्होंने तो बोला मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम जय श्री राम, छोड़ देते उस विषय को, वो विषय नहीं है। दूसरी बात, मैंने तो समझाया अनुराग जी, मुझे झुंझुना इसलिए पता है 2009 में आपको और आरजेडी को थमाया था कांग्रेस ने, और इसीलिए देखिए आपने कल क्या बोला था, कल मतलब आपने मतलब संजय राउत ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अब ये प्रधानमंत्री ना वित्त मंत्रालय रख पाएगा, इसको देना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें बोली। आज अनुराग जी क्या बोल रहे, अरे आप वित्त मंत्रालय देते क्यों नहीं, मतलब 24 घंटे में इस प्रकार से आप बदल जाएंगे, घंटा है या झुंझुना है। अब आखिरी बात, मैंने इनसे एक ही सवाल, बीच में नहीं नाविका, बीच में नाविका, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड और लूंगा। ठीक नाविका जी, मैंने तो केवल एक ही चीज का, हमने प्रधानमंत्री कौन होगा और 71 मंत्री कौन होंगे सब पब्लिक डोमेन में डाल दिया ना। आप पब्लिक डोमेन में एलओपी के बारे में बता नहीं पा रहे, और एलओपी के बारे में बताना छोड़िए, इन्होंने अभी क्या कहा, चिराग पासवान जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनका घर है, सम्मानित घर है, पर उसको झोपड़ा कह दिया। इस प्रकार की जातिवादी टिप्पणियों से बचना चाहिए। एक दलित का मकान, एक महादलित का मकान भी उसका घर, उसका उसका आसरा होता है, उसका बसेरा होता है, उसके बसेरे को झोपड़ा बोलो मत। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी हदों को पार मत कीजिए। एक मिनट, अब मैं जाती हूँ वारिस पठान जी के पास। वारिस पठान जी, एक सवाल और उठा, आपको बंद कर दिया अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी मुझे सम्मान करने लगे क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो मूछ नोचने की बात करते थे। आपने तो पूरा इंडिया लूट लिया भाई। अब आप वारिस पठान जी को बोलने दीजिए, नहीं तो वो आप पर भी इल्जाम लगाएंगे कि माइनॉरिटीज का इस देश में कोई संरक्षक नहीं है। और मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी को, वारिस पठान जी, एक क्रिटिसिज्म ये भी निकाला गया है कि कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुस्लिम नहीं है लेकिन सिख हैं, दो हैं, क्रिश्चियन हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहे, ये भी माइनॉरिटी है। देखिए नविका जी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा भारत देश है, 140 करोड़ के करीब आबादी है, जिसमें सबसे बड़ी जो अखिलियत माइनॉरिटी मुसलमान की है 20 करोड़ के करीब। मगर अफसोस ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी एनडीए 3.0 सरकार बनी, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्या यही है मोदी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? अब अगर देखने जाओ तो बात ये भी कि अगर आप किसी को टिकट नहीं दोगे लड़ने के लिए तो वो लड़ेगा कैसा, जीतेगा कैसा, मिनिस्टर कैसा बनेगा? अब हमारे दोनों तरफ एक ही समस्या है, अगर आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं करोगे तो आगे कैसा बढ़ेगा? और जिन्होंने आजादी की जंगे आजादी में अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, हमारा भारत देश आजाद हुआ, आज वहां इतिहास में अब तक पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई मुसलमान मंत्री है। तो ये मार्जिलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही है, मुसलमानों को साइड में नहीं डालने की कोशिश हो रही है देश के अंदर, तो कहां जाएगा? मुसलमान तो सबका है मगर कोई मुसलमान का नहीं है। यही नेताओं ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दरार के वोटे लिए, मगर आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, दो दो मुफ्तियों की कत्ल हो गया इतने दिनों के अंदर, एक दो दिन के अंदर, मगर कोई आगे ना ट्वीट करने को तैयार है ना कोई बोलने को तैयार है। मैं तो समाजवादी के प्रवक्ता बैठे उनको भी पूछूंगा कि अखिलेश जी का भी अब तक कोई ट्वीट आया नहीं, आज भी सुबह में मौलाना को गोली मार दिया गया। पर यार पुलिस प्रशासन उसकी इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी। अब रहा सावलिया के चुनाव का, तो एक चीज मैं बताऊं, ये कोई मोदी को मैंडेट तो नहीं मिला है, पब्लिक ने तो नकार दिया नाविका जी, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और यहां पर मेरे दोस्त बैठे हुए जेडीयू के, अगर टीडीपी के भी होते तो मैं उनको भी एक ही बात करूंगा कि देखो आप लोग नड़ जाओ, जिद पे अड़ जाओ कि हमको स्पीकर की पोस्ट दो, वरना आपका भी खेला हो जाएगा, थोड़े दिन में TDP 1 TDP 2 बन जाएगा और आपका जो चुनाव का सिंबल है वो भी जा सकता है। क्योंकि हमने आपने पूरे देशवासियों ने देखा कि किस तरह से इन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, किस तरह से एनसीपी शरद पवार साहब का इन्होंने घड़ी भी छीन लिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे का तीर कमान ले लिया, तो ये तो मास्टर है इसके अंदर तोड़फोड़ के अंदर। अगर वो है और मेरी बात को अगर समझ सकते तो मैं मुफ्त में एडवाइस देना चाह रहा हूं, क्योंकि झुंझुना वाली जो बात है ये बीजेपी का मास्टर है, बीजेपी इसमें झुंझुना
जुमला और मुंबई की भाषा में हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसको कोनी पे गुड़ लगाना। ये तीनों के अंदर बीजेपी मास्टर है कि भाई हम आपको करेंगे। आज देख लीजिए शिवसेना के प्रवक्ता, अभी उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारे तो 7 MP है मगर एक भी कैबिनेट के अंदर नहीं, जबकि HAM पार्टी का एक है, उनको आपने कैबिनेट दे दिया। अजीत पवार ने बोला कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कैब ये वाला MOS, क्योंकि हमारा मिनिस्टर तो पहले था ही प्रफुल्ल भाई, उनके साथ आपने खेला कर दिया। अभी खेलाबाजी तो सब चली चिंता, कितनी चिंता है आपको। मुझे लगता है, मुझे लगता है आप डॉक्टर बुलवाई लीजिए वारिस पठान जी, बहुत स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है। आप इतनी चिंता करेंगे सबके बारे में तो मुझे आपकी तबीयत का बहुत इस वक्त फिक्र और चिंता हो रही है। लेकिन अभिषेक झा जी, इनकी चिंता थोड़ी कम कर दीजिए, आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं या आपको यहाँ से एडवाइजर्स की जरूरत है? क्योंकि यहाँ एडवाइजर फ्री की एडवाइस दे रहे हैं। आप बताइए, स्पीकर चाहिए कि नहीं, मंत्रालय चाहिए सही है कि नहीं, झुंझुना है कि लॉलीपॉप है, जरा बता दीजिए वारिस पठान जी को। नहीं, अब वारिस पठान जी गाड़ी निकल गई स्टेशन से, अब चली गई बिहार के स्टेशन। मैं तो अभिषेक जी को बोलना चाहूंगा, स्पीकर अपना ले, अभिषेक जी को मैं बोलना चाहूंगा पे भूख हड़ताल कर दो मोदी के घर पे, स्पीकर चाहिए हमको। अब मैं जवाब दे दूं, आपने चिंता जाहिर की है नाविका जी, हमें भी बहुत चिंता है अपने विपक्ष के साथ। हम कतई नहीं चाहते कि हमारे विपक्ष के साथी किसी भी तरह के डिप्रेशन में जाए। डॉक्टर्स की जरूरत हो तो भी बताएं, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। थोड़ी क्रोनोलॉजी हम समझते हैं, देखिए चुनाव के नतीजे नहीं आए फिलहाल, क्या दावा करते थे कि चुनाव ये जीत रहे। जब चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए, पहले ही उत्साहित होकर इन्होंने कहा कि सरकार ये बनाए। अगले दिन इन्होंने मान लिया कि NDA को क्लियर मैंडेट है, इन्होंने स्वीकार लिया, कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे। फिर कहा कि नहीं, सरकार नहीं बन पाएगी, अभी TDP और JDU उनका साथ नहीं देगी। फिर नीतीश जी ने समर्थन दिया, नायडू साहब ने समर्थन दिया, तब भी ये नहीं होती। इन्होंने कहा कि अगर सरकार बन भी जाती है तो 5 वर्ष नहीं चलेगी। चलिए भाई ठीक है, ये भी बात आपकी सुन ली। अब जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है, सभी पार्टियों के साथ बातचीत हो चुकी है, सबने ओथ ले ली है, तो आपको इस बात की कहीं चिंता हो रही है? अरे भाई, हमने तो कहा है, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कहा है कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, बिना शर्त समर्थन है। NDA के साथ प्री पोल अलायंस था हमारा, पोस्ट पोल अलायंस भी है, हमें इस बात की पूरी संतुष्टि। जैसे भी सरकार जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री जी का स्पेशल प्रेरोगेटिव है, उन्होंने सबको सबकी क्षमता के हिसाब से मंत्रालय अलॉट किए हैं। और इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ये सरकार विकास के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं कर रही है, तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे। मंत्रालय इनको नहीं मिला, स्पीकर उनको नहीं मिला, इस बात की बेचैनी इनको ही होती है। इतना ध्यान अगर ये अपने दल पर दे रहे होते तो कांग्रेस पार्टी आज 93 के आंकड़े पर नहीं होती, समाजवादी पार्टी या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं सीटों को बढ़ाकर इतनी खुश हो रही हैं, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा अचीवमेंट इनकी तरफ से हो चुका है। इनको खुशफहमी में रहने दीजिए, देश की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है। जब कांग्रेस पार्टी कम सीटें लालाकर UPA की सरकार बनती थी, पूरा कोअलिशन खिचड़ी सरकार बनती थी, ब्लैकमेल वाली पूरी पॉलिटिक्स चलती थी। मैं आज भी आपको वो दौर याद कराता हूँ, RJD के साथ यहाँ नहीं बैठे हैं, 2004 में जब RJD की 22 सीटें बिहार से, 2 सीटें झारखंड, 24 सीटें टोटल लाई थी, तब इनके 8 मंत्री बने थे। नविता जी ध्यान से सुनिएगा, 22 में इनके 8 मंत्री बने थे, फिर भी ये बिहार के लिए स्पेशल पैकेज कुछ भी नहीं लाता, कुछ भी नहीं लाता। कभी स्टाल पे, कभी स्टाल पे, गली गली घूमे, जो जैसा तो ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। आपके मन के अंदर लालच हो सकती है भदौरिया साहब, आपके मन के अंदर लालच हो सकती है कि अगर हमारी सरकार बनती, इंडी की सरकार बनती तो हमको गृह चाहिए, अगर हमको गृह नहीं मिलेगा हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे। हम 37 साल से नहीं करके, ये बता दीजिए कि आप बाहर बैठेंगे, ये बता दीजिए मुझे, मेरा सीधा सा सवाल सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए आपके नेता के बारे में उल्टा सीधा बोला गया और आपके नेता को क्या क्या नहीं बोला गया, और आज आप कह रहे हो कि नहीं हमारे मन में लाना चाहिए। उनके नेता जब इंडिया अलायंस में थे, मुझे ये बता दीजिए कितना बड़ा दिल था आपका कि आपने उनको कन्वीनर बनाया था, आज भी आपने कन्वीनर इंडिया अलायंस का बनाया था, आज भी उनका इंडिया अलायंस को साथ लाने वाले कौन थे और उनका सम्मान रहेगा? ये इंडिया गठबंधन है,
आया था या नहीं? गठबंधन है, किसी का अपमान नहीं करती है। ये बीजेपी वो है जिन्होंने विधानसभा में बोला था तो उनके मानसिक स्थिति पे भी सवाल उठाने वाले लोग हैं। हमारे साथ नहीं है तब भी सम्मान है, और थे तब भी सम्मान है, और नहीं रहेंगे तब भी सम्मान। अनुराग जी हमारे साथ हो या न हो, अनुराग जी हो, लेकिन आदरणीय नीतीश जी का हमेशा से सम्मान है। अनुराग जी, अनुराग जी वाले लोग, आप सम्मान कर रहे हैं तो एंकर का सम्मान करिए, एंकर का सम्मान करिए, एंकर के सवाल का, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। सम्मान वैसे भी है तो आप, लेकिन आप ये तो बताइए देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नहीं आई है, और मेरा सवाल 400 से 240 पे आ गई है, बताइए उनको, बताइए देश की जनता को, अब की बार 400 पार और रह गए 240 पे, फिर आप एनडीए के साथ गठबंधन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है 7 दिन बाद भी आप सदमे में हैं। नहीं सदमे में हम नहीं हैं, सदमे में हैं। और मैं आपसे तो जीते हुए भाई अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे सवाल पूछिए, सवाल पूछ रही हूँ कि इंडिया अलायंस को साथ लाने वाले नीतीश कुमार जी, आपने कन्वीनर बनाया? अरे नीतीश जी तो आदरणीय है, मैं कह रहा हूँ कन्वीनर बना, अरे आदरणीय है कन्वीनर, अरे बना, खुद नहीं बनना चाह रहे थे उनको, वो तो हमेशा से उनका सम्मान रहा है अभिषेक झा, तो सरकार में भी थे, नीतीश जी कन्वीनर नहीं बनना चाह रहे, आरजेडी के साथ सरकार चली गई, आरजेडी के साथ सरकार में थे, आप कह रहे नाराज थे। अभिषेक झा, क्या नीतीश जी कन्वीनर बनने के लिए उन्होंने मना किया था? उनको कहां मालूम है। मैं के साथ आपसे कहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से बहुत सारे नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा हो सकती है, नीतीश जी को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस में, जब इंडिया अलायंस में थे, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ इन लोगों ने कब नीतीश जी के हिसाब से स्ट्रेटजीज बन, नीतीश जी कोई कल्पना, अनुराग जी बैठे हैं, कोई कल्पना कर सकता था कि अरविंद केजरीवाल जी, ममता जी, अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी से बात भी करेंगे? नीतीश जी की देन है, उन्होंने फाउंडेशन स्टेन स्टोन जो है वो ले किया है प्रभु, सब जाकर चीज है, हमें चिंता है कि आप अपने स्पीकर बनवाइए, आपकी पार्टी को तोड़ देंगे बीजेपी वाले, हमें उनकी चिंता है, हमें जेडीयू की चिंता है। आप इतनी चिंता कर रहे हैं तो बोल तो लेने दीजिए उनको, 13 में आप बाहर है। नाविका, नाविका जी अच्छी बात है, वहां पे स्टूडियो में बैठकर कुछ लोग जो है गलत इस्तेमाल कर रहे स्टूडियो में बैठने का, वो कह रहे हैं हम बड़ा सम्मान करते हैं, सुनिए। देखिए सिर्फ मेरे को ही नहीं, उन्होंने काफी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे जो चाचा है बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, ये सम्मान है उनका। अच्छा दूसरी बात, बड़ी मजेदार बात है नाविका जी, आज MIM पार्टी शिवसेना को ज्यादा पद मिले इसकी इच्छुक है। मैंने राजनीति में ये नहीं सोचा था कि MIM पार्टी शिवसेना, जिस पर ये आरोप लगाते कि बाबरी इन्होंने गिराया, उसके लिए पैरवी करेंगे। मैं कहता हूं अच्छी पैरवी है, पर एक काम करते हैं, आप लोग मुसलमानों के इतने बड़े शुभचिंतक है और LOP पद तो मुसलमान को बना के दे दीजिए, समाजवादी पार्टी बता दे कि क्या मुसलमान को LOP बना देंगे। वैसे भी आप लोग इतरा रहे हैं ना कि मुसलमान ने हमको वोट दिया, आप एंटी मुस्लिम हो, चलिए आप प्रो मुस्लिम है तो बना दीजिए मुस्लिम LOP। नाविका जी एक बार दोनों से पूछिए, ये ओ त्रिपाठी जी भी बैठे तिलक लगा के, ये तीनों से पूछिए भाई कि मुस्लिम को LOP बना देना, ये तिलक का अपमान कर रहे हो क्या? मुस्लिम है, तिलक का अपमान कर रहे हो क्या? प्रवक्ता मुस्लिम है, तिलक लगा के बैठा तो अपमान करेंगे क्या? बैठ के LOP सरकार बन गई तो आप कहेंगे तिलक लगा के बैठे, ये अपमान होगा देश का? अरे भाई अपमान करेंगे आप, तिलक लगा के बैठे, चलिए ना, तिलक लगाना क्या गुनाह है? तिलक लगाना गुनाह है देश के अंदर? छोड़िए तिलक का अपमान किसने किया है, सरकार में तिलक का अपमान किसने किया है? नाविका जी इस प्रकार की गुंडागर्दी स्टूडियो में होगी क्या? ये क्या बात हुई तिलक लगा के बैठे? गुंडागर्दी मैंने कुछ बोला तिलक के विषय में? नाविका मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए तिलक तिलक पे कोई कोई किसी को ऐतराज? देखो तिलक लगा के बैठे, मैं बोलूं, मैं बोल लूं? हां बोलिए। मैं कह रही हूं कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की, चलिए आपकी बात सही है कि तिलक लगाना सबका हक है, तो अयोध्या वाले जो सांसद जीते हैं
अरे तिलक पर विरोध आरजेडी के लोगों ने किया था भाई, तिलक पर आरजेडी के लोगों ने विरोध किया, रामचरितमानस पर आरजेडी ने विरोध किया, समाप्त बोला, लेकिन नहीं बोलेंगे। अरे हमें प्रभु राम ने आशीर्वाद दे दिया, मुझे जिता दिया, आप कह रहे नहीं बोलेंगे। कमलाकर कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी, प्रभु राम, चलिए सारी दुनिया का और सारे देव लोग का आशीर्वाद, राम का आशीर्वाद हमें मिला है, उन्हें नहीं मिला है। बात है, सारे देवलोक का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आप हैं अभी विपक्ष में, और मुझे बोलने दीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, अब बीजेपी तो बहुत खिलाफ है मुसलमानों के। मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने कितने मुसलमान कैंडिडेट दिए पूरे देश में? 19 2024 में, 328 में से 19। कैलकुलेट कर लीजिए, मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, परसेंटेज बता देती हूं। और समाजवादी पार्टी जो इतना दम भरती है MY अलायंस का, उन्होंने कितनी दी? 4, 80 में से 4, 4 सीटें मुसलमानों के लिए। अब मैं कमलाकर त्रिपाठी जी, जितनी बीजेपी को कोसते हैं वारिस पठान जी, आप उनके रहनुमा बने हुए हैं, जरा बताइए कितना माइनॉरिटीज का आपने चिंता की? नंबर एक। नंबर दो, यूपीए में तो आपके पास 145 सीटें थी पहले बार, दूसरी बार 206। आपने रायसीना हिल के जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के, कौन से ऐसे मंत्रालय थे जो अपने अलायंस पार्टनर्स को दे दी थे? आज देश को बता दीजिए, हम सबकी याददाश्त थोड़ी खराब है, आप ही समझा दीजिए। ये लोग वो लोग हैं, अभी चरित्र सामने आ गया, ये लोगों को कपड़ों पे, टीकों पे पहचानने वाले लोग हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कपड़ों से पहचान सकता हूं, और इनके भगवा पहने हुए, जोगी बने हुए जो चिन्मयानंद जी थे, और राम रहीम और इस तरह के लोग जिनको परमानेंट पेरोल मिलती है, उनके कपड़े से ये क्या पहचान रहे थे ये लोग? बेसिक चीज ये है, आज के समय में जो प्रश्न उठ रहा है, जिस तरीके से पूरे चुनाव भर में माननीय मोदी जी ने मैं मुसलमानों को ये नहीं लेने दूंगा, मैं उनका आरक्षण नहीं होने दूंगा, तो मैं मुसलमानों को, ये लोग मुसलमानों को दे देंगे, अभी तक तो आप चुनाव भर आप हमारे ही ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भैंस होगी तो आपकी दे देंगे, ये होगा तो मंगलसूत्र दे देंगे, मुस्लिम बना दो ना, क्या हुई जनता ने बोल ये पा रही है, ना कांग्रेस ना समाजवादी, मुख में राम बगल में छुरी है, एलओपी मुस्लिम बनाओ ना, और इनकी मजबूरी है नाविका जी, अरे ये मुस्लिम बना दो, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब अपने पास, एलओपी मुस्लिम बनाओ। आपने कितने दे दिए थे कमलाकर जी? आप तो बताते नहीं है, आप तो बताते नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कितने दे दिए थे अलायंस पार्टनर्स को, उस पे ग्रिप रखना चाहते हैं? नहीं, आपने कितने दिए थे? कांग्रेस पार्टी ने कितने दिए थे, समझा दीजिए ना। नहीं नहीं, अटल जी की सरकार में कितने थे? अरे छोड़िए ना भाई, आप अटल जी तक क्यों जा रहे हैं? आप यूपीए में रहिए ना, आप यूपीए में रहिए, यूपीए में आपने किसको दे दिया था? उसकी बात करिए, और जो सरकार में रिप्रेजेंटेशन, आप यूपीए सरकार, अभी तक आप हमारे ऊपर आरोप लगाया करते थे, यूपीए सरकार दो बार बनी थी, आपने कितने कितने ये वाले मंत्रालय दे दिए थे? आप क्या उनको अपना भारत का नागरिक नहीं मानते? मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, मुझे सवाल का जवाब मिल जाएगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, पर आप सवाल का जवाब दीजिए, और ये जनता का सवाल है। और जिस कितने दिए थे आपने इन चारों मंत्रालयों में? सवाल पूछ रही हैं, एक वाक्य। अरे भाई, आपके पास डेटा है, आप खुद देख लीजिए। तो मैं तो बता रही हूँ ना, आपने दिया, और आज आप यहाँ खड़े होके ज्ञान दे रहे हैं कि इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया। अब पब्लिक पूछ रही है सवाल, दीपसिता बैनर्जी का पश्चिम बंगाल से सवाल है, मोदी वर्सेस प्रियंका होता तो प्रियंका क्या वैसे ही जीतती जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होते? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, अगर प्रियंका गांधी इतनी ही लोकप्रिय हैं, तो क्या उनको ओडिशा या आंध्र प्रदेश से नहीं लड़ना चाहिए था, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा के भी कांग्रेस का घटिया प्रदर्शन रहा था? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, जिन लोगों ने मोदी जी को बधाई तक नहीं दी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, क्या ये सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं कर रहे? नारायण अग्रवाल का गुरुग्राम से सवाल है,
विपक्ष सकारात्मक भूमिका क्यों नहीं निभाता? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, पूरा विपक्ष और कांग्रेस बताएगा कि जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री कभी बना? किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू को कब कब जिताया? जवाब दीजिए सारे सवालों के। एक चीज मान के चलिए कि जो सरकार एनडीए बनी है, अब एनडीए सरकार देश के हित के लिए काम करेगी, हम मजबूर करेंगे कि वो अग्निवीर योजना वापस करेंगे, करवाएंगे उनसे, किसानों के एमएसपी की गारंटी बनवाएंगे, हम मजबूत विपक्ष में हैं, हम उनसे देश के राष्ट्र के मुद्दों पे काम करवाएंगे, नहीं करना चाहेंगे तब भी करवाएंगे, किसानों के हित की बात होगी, महिलाओं के हित की बात होगी। किसका? झुंझुना का। झुंझुना तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो सब चीज अपने पास रखना चाहती है, इसलिए मैं अपने जो सहयोगी उनके दल है उनको तो हमने आग्रह कर लिया, जल्दी से भैया अपना स्पीकर बनवा लीजिए, नहीं तो ये पार्टी तोड़ने में माहिर है। दूसरा अभिषेक, एक मिनट, नहीं नहीं, अब अभिषेक झा, आपको बड़ी चिंता में आ रही हूं शहजाद, आई गिव यू द लास्ट वर्ड, लेकिन अभिषेक झा, अभिषेक झा, आपकी पार्टी तोड़ देंगे स्पीकर नहीं बनाया तो? इसका रिवर्ट करने दीजिए ना। हाँ, मुझे मुझे बताइए कि आपको बहुत डर लग रहा है स्पीकर नहीं हुआ तो? कर चुके पहला वो लोग, वैसा ना महाराष्ट्र में हमने देखा है ना, दम नहीं है कि हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारी पार्टी की विचारधारा को तोड़ दिया, नीतियों को तोड़ दिया, किसी ने इतना दम नहीं है। चलिए, और ये बात हम जानते हैं कि चोट पर चलते हैं, जब स्पीकर हमारा हो कि ना, और ये जो भड़काने वाली पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, ये बच के रहे कहीं इनकी पार्टी ना छूट जाए और इनकी तरफ से जो सांसद है हमारी तरफ न चले जाए। तो इनके लिए शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, भड़काऊ भड़काऊ भाषण से कुछ नहीं हो रहा, अब आप जवाब दे दीजिए। नाविका जी, इनको तो बोलो कि जेडीयू टीडीपी की चिंता छोड़े, हरियाणा में इंडिया अलायंस खत्म हो गया, पंजाब में इंडिया अलायंस पहले से खत्म था, दिल्ली में इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। आज भाई ये लगातार बोलेंगे नाविका तो मेरी आवाज नहीं जाएगी, नाविका अगर लगातार डिस्टर्बेंस होगा तो जनता को मेरी बात सुनाई नहीं देगी। मानने का फिर नतीजा देखो, वारिस पठान का कैकोफोनी मेरे कान में चल रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 20 सेकंड ही लूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे 20 सेकंड अपना सुरक्षित दीजिए, बाकी माइक्स डाउन है। नाविका जी, जिन लोगों को बाकी जगह की चिंता है वो छोड़कर अपने हरियाणा में, आज भूपेंद्र हुड्डा ने बोला इंडिया अलायंस का तलाक, दिल्ली में गोपाल ने बोला तलाक, कर्नाटका में डीके शिवकुमार ने बोला खतरे की घंटी बज रही है, वो छोड़कर हमारी चिंता कर रहे, तो आपको इतनी चिंता, आप एलओपी पद मांगे ना। लोकतंत्र, लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र इस देश में, इस देश के लोग ही जीवित रखेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लोकतंत्र के लिए क्या विपक्ष को विरोधी होना चाहिए? लेकिन क्या इतना दिल छोटा करना चाहिए? एक सरकार आई है, शपथ ली है, नंबर उसके साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी इतना छोटा दिल कि रोज भड़काना, रोज उकसाना, रोज गलतियां निकालना, ये कब तक चलेगा? क्या विपक्ष सही कर रहा है? जनता की क्या राय है? पब्लिक क्या कहती है? जरूर लिखकर भेजिएगा। आज हमारे साथ इस डिबेट में बस इतना ही, पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।